नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। इन दिनों कंगना रनौत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी ज्यादा चर्चा। कंगना रनौत तो एज यूजुअल हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में है क्योंकि उनके कई सारे मंत्री और MLA एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये तो चुनावी जो रणनीति है वो तो बनी हुई है, लेकिन अगर बात करें हम तो सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर फिल्म सिटी जो बनने वाली है उसमें जो तमाम चीजों को सामने रखने की बात आ रही है उसमें योगी आदित्यनाथ और कंगना रनौत का जो जिक्र है वो सबसे पहले हो जा रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत को लेकर एक बयान दिया है और उसमें बयान में साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं कंगना की मूवी को देखूंगा। तो इस क्लिप को एक्चुअल में कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाई और स्टोरी लगाने के साथ साथ महाराज जी लिखा है, जो कैप्शन होता है स्टोरी के ऊपर उन्होंने महाराज जी लिखा है। क्योंकि ये जो पूरा माहौल तैयार हो रहा है वो फिल्म सिटी को लेकर है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से पूछा गया जो सवाल है वो बयान जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा फिल्म सिटी बनेगा उत्तर प्रदेश में। तभी एक बात के जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कंगना जी की फिल्म तो मैं जरूर देखूंगा। कंगना रनौत ने इस इंटरव्यू का एक क्लिप है वो सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर लगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो चुनाव को लेकर है क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती हैं, खास तौर पर वो सोशल मीडिया पर कंगना रनौत एक्टिव रहती हैं। वहाँ पे तमाम जो जवाब होते हैं, तमाम जो फैन से इंटरेक्शन होती है वो उनकी बनी रहती है, लगातार जारी रहती है। और BJP को लेकर वो अक्सर बयान देती रहती है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक करने के मूड में थी कंगना रनौत, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने उनकी समर्थन भी किया था। समर्थन के साथ साथ साफ तौर पे है कि जब से उनका जो झुकाव है, उनको जब से सुरक्षा दी गई है कंगना रनौत को, तब से लोगों के टारगेट पे है, जो तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं उनके टारगेट पे कंगना रनौत रहती आई क्योंकि बेबाक तरीके से वो अपनी बातों को सामने रखती। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।